और नाज़रीन, चूँकि अभी कोई इवेंट नहीं हो रहा है इस ग्राउंड में, इसलिए ये तमाम सीटें खाली हैं जी, और मेरे सिवा यहाँ पे आज कोई भी नहीं आया। लेकिन द सेटिंग ऑफ द सीट्स इज़ रियली अ वंडरफुल प्लान। और यहाँ से आप ग्राउंड को देखें तो इसका एक अलग ही बेहतरीन नज़ारा है, विच यू आर ऑब्जर्विंग योर सेल्फ जी। तो नाज़रीन, मैं आ गया हूँ चाइना में, और चाइना बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। चाइना इज़ रियली अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट आई वुड से चाइना इज़ नॉट मेरा कंट्री बट अ होल वर्ल्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज़ हेयर इन चाइना। तो आज मैं आया हूँ चाइना के ग्राउंड में वॉक करने के लिए। तो नाज़रीन, ये सारा ग्राउंड आप देख रहे हैं जी, ये है जी सारा ग्राउंड, ये है जी रनिंग ग्राउंड, उसके साथ साथ ये फुटबॉल और हॉकी के लिए भी यूज़ होता है। और यहाँ पे चाइनीज़ लोग आते हैं जी एक्सरसाइज करने के लिए, जैसा कि मैं भी आ गया हूँ। और रनिंग यहाँ का मशगला है। और ये देखें जी, ये हॉल है जी साथ में, ये देखें, ये हॉल है सारा जहाँ पे ये बैठते हैं लोग। और अगर यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा हो या कोई एक्टिविटी हो रही हो खेलों की, तो सारे लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो नाज़रीन, चाइना के बारे में मशहूर है कि चाइनीज़ पीपल आर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड देर ट्राई टू मेंटेन देयर हेल्थ। ये देखें, ये जी फुटबॉल का कोर्ट है, और यहाँ पे लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है टू मेंटेन योर गुड हेल्थ। और सबसे बड़ी बात ये कि नाज़रीन, ये ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है। ये देखें, क्योंकि अभी धुंध है, शायद आपको पूरा क्लियरली नज़र ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस ग्राउंड इज़ रियली अ वंडरफुल ग्राउंड, और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है। एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर, चाइनीज़ पीपल आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। और ये देखें, ये रनिंग के लिए, दौड़ के लिए, मैं अब आपको दिखाता हूँ जी कि ये जो ऊपर बैठकर हॉल के अंदर कैसे मैच देखा जाता है जी। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ जी मंजर कैसा है जी, मेरे साथ साथ रहें। ये जी मैं चढ़ रहा हूँ सीढ़ियाँ, ये देखें नाज़रीन, ये हैं जी सीढ़ियाँ जहाँ पे लोग तमाशाई बैठते हैं जी। ये देखें, और यहाँ से अगर आप ग्राउंड देखें तो एक अलग ही मंज़र है। इट्स रियली अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल। और नाज़रीन, चूँकि अभी कोई इवेंट नहीं हो रहा है इस ग्राउंड में, इसलिए ये तमाम सीटें खाली हैं जी, और मेरे सिवा यहाँ पे आज कोई भी नहीं आया। लेकिन द सेटिंग ऑफ द सीट्स इज़ रियली अ वंडरफुल प्लान। और यहाँ से आप ग्राउंड को देखें तो इसका एक अलग ही बेहतरीन नज़ारा है, विच यू आर ऑब्जर्विंग योर सेल्फ। ये देखें नाज़रीन, इस ग्राउंड को इस्तेमाल किया जाता है रनिंग के लिए, फुटबॉल के लिए और हॉकी के लिए, ये पोजीशंस के लिए जी। और वो देखें, वो 2000 मीटर और 800 मीटर और 400 मीटर की सारे निशानात लगे हुए हैं। सो आई एम ट्राइंग टू शो यू हाउ चाइनीज़ पीपल आर वेरी क्यूरियस एंड वेरी एक्यूरेट अबाउट देयर हेल्थ एक्टिविटीज़।
they try to maintain their health activities very well, which is really a good sign. और मैं आपको दिखाता हूँ एक और मंजर कि ये देखें, ये पोजीशन लाइंस हैं और ये देखें, ये जी 2000 मीटर, ये 800 मीटर, ये 400 मीटर और ये सारे निशानात भी हैं जी। जो रनिंग करता है उसको ये तमाम चीज़ों का पता है। तो अब मैं आ जाता हूँ जी ग्राउंड के अंदर। तो नाज़रीन, मैं बता रहा था, मैं दिखा रहा हूँ आपको चाइनीज़ ग्राउंड्स और यहाँ पे एक तो रनिंग का रिंग बना हुआ है जहाँ पे लोग रनिंग करते हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे फुटबॉल के और हॉकी के कोर्ट भी हैं जी, फुटबॉल और हॉकी के कोर्ट, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये फुटबॉल का कोर्ट है जी, जहाँ पे गोल होते हैं। दिस इज़ रियली अ वंडरफुल एंड अमेजिंग। और ये देखें ग्राउंड कितना प्यारा है जी, ग्राउंड कितना खूबसूरत ग्राउंड है जी। और इस कोर्ट से लेकर इस कोर्ट तक ये फुटबॉल और हॉकी दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वॉलीबॉल के लिए भी। और इसके साथ साथ वो आप ये देखें, छोटा कोर्ट वो नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ से जी ये हॉकी के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये साथ साथ बिल्डिंगें, साथ साथ इमारतें आप देख रहे हैं। आज चूँकि धुंध है और सर्दी बहुत ज़्यादा नाज़रीन, लेकिन इस सर्दी में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ चाइनीज़ ग्राउंड। वो सर्कल है जहाँ पे खेल का आगाज़ होता है। ये देखें नाज़रीन, इस सर्कल से खेल का आगाज़ होता है जी। और इसके हाफ में यहाँ पे करके बॉल रखा जाता है, ये वाली चीज़ आप देख रहे हैं। और यहाँ से लेकर वहाँ तक ऑलमोस्ट सेम ही इसका जो बनता है जी मेजरमेंट। सो इट्स रियली अ वंडरफुल टू सी द चाइनीज़ ग्राउंड, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, चाइनीज़ पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ एंड दे हैव टेकन सम मेजर्स। कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइनीज़ पीपल क्यों ज़्यादा खेलों में आगे होते हैं, उसकी वजह यह है कि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, वो अपने ग्राउंड्स को मेंटेन रखते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटीज़ पे हिस्सा लेते हैं। ये देखिए इतनी सर्दी है फिर भी लोग आए हुए हैं और अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं। और साथ साथ ये फुटबॉल और हॉकी के लिए इन्होंने अच्छा बंदोबस्त किया हुआ रनिंग के लिए। तो आज आपको पता चला कि चाइनीज़ पीपल क्यों इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, क्योंकि वो अपनी हेल्थ को बहुत मेंटेन रखते हैं, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, उन्होंने ग्राउंड्स अच्छे बनाए हुए हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ दी हुई है और लोग उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं नाज़रीन। ये देखिए नाज़रीन, इतने अच्छे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, तो क्यों ना फिर चाइना इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल करें। तो मैं तमाम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पाकिस्तान हो गया या और भी कंट्री, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस रहें अबाउट देयर हेल्थ, लोगों को ग्राउंड्स अच्छे दें, लोगों को अच्छी फैसिलिटी दें, तो डेफिनेटली चाइना की तरह पाकिस्तान भी ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल कर सकता है। और ये देखिए इन्होंने अपने ग्राउंड्स को किस तरह खूबसूरत बनाया हुआ है और लोगों के लिए अच्छी उनको फैसिलिटीज़ दी हुई है, ताकि लोग इन फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाएँ। और आज ये जो राज है जो मैंने आपको बताया कि वाई चाइनीज़ पीपल विन द मोस्ट मेडल्स इन ऑल द गेम्स, स्पेशली ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स, उसकी वजह यह है कि चाइनीज़ पीपल दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, वो अपने ग्राउंड्स को अच्छा रखते हैं और रनिंग डेली करते हैं, एक्सरसाइज डेली करते हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में अपनी हेल्थ को मेंटेन करना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ अच्छी फैसिलिटीज़ जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को दी हुई है, और इन फैसिलिटीज़ की वजह से तमाम लोग
उन फैसिलिटीज से फ़ायदा उठाते हैं और फिर वो क्या करते हैं जी, अपने वतन के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी नेशंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विक्ट्रीज़ लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कप जीते हैं। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि चाइनीज़ पीपल सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल है ऑलमोस्ट चाइनीज़ पीपल ने विन की इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये बहुत ऑनर की बात है चाइनीज़ पीपल के लिए। और मुझे आज पता लगा उसकी मेन वजह यही है कि अ साउंड बॉडी हैज़ ऑलवेज़ अ साउंड माइंड, और अपनी सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखें क्योंकि सेहत तंदरुस्ती हज़ार नेमत है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।